आई हैव रेड द कमेंट्स और लोगों को इसे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है उसकी वजह से सॉन्ग का स्टोरी एंड एवरीथिंग देयर लाइक इट या मुझे भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है वो जो वीडियो है बहुत ही क्यूट वीडियो लग रही है एंड स्टोरी काफी पसंद आ रही है बहुत ही क्यूट लग रही है वीडियो एंड ऑब्वियसली ये क्यूट सी बच्ची है वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है हम तो फिर देखते रहते हैं बार बार ये इनका चेहरा थोड़ा फ्रेश अच्छा लग रहा है सो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग आई तो रियली लाइक द स्टोरी जब मुझे इसके बारे में पता चला तो आई वाज लाइक कि या आई आई मीन मुझे करना है बिकॉज स्टोरी अच्छी है तो व्हाई नॉट सो व्हाट इज योर रिएक्शन लाइक आप जब भी कोई सॉन्ग अगर लेते हो तो क्या सबसे पहले सोचते हो मैं स्टोरी सुनता हूँ ऐसी बात नहीं है मैं पहले स्टोरी सुनता हूँ एंड समझता हूँ कि क्या है क्योंकि समझना पड़ता है कि मेरा क्या मेरा कैरेक्टर कैसा होगा मैं कैसा पोर्ट्रे होऊंगा बट आई रियली लाइक्ड इट एंड बहुत अच्छा था कि एंड में वो लड़का सुधर जाता है सुधर गया वो ग्लैड कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आ रहा है सो दैट्स द बेस्ट नहीं यार मैं तो 2017 में कॉलेज पास आउट हुआ था उसके बाद मैं इतने टाइम बाद कॉलेज गया तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के कॉलेज का वाइब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा वो लाइब्रेरी में एक्चुअली बच्चे पढ़ रहे थे जहाँ पे हम शूट कर रहे थे एक्चुअली लगा था कि यार वाह यार मतलब कितना क्या लाइफ मैंने भी जिया है तो मेरे को वो याद हो गया सब कुछ यादें ताज़ा हो गई यार बहुत अच्छा लगा और वो बहुत ही मतलब बहुत मजा आया यूनिवर्सिटी देख के नहीं एक्चुअली लास्ट सीन में क्या हुआ था जब हम लास्ट सीन शूट कर रहे थे रात को बहुत भीड़ लग गई थी वहाँ पे तो अच्छा लगा था मुझे तो मतलब आई वाज रियली लाइकिंग इट बिकॉज आउट ऑफ कंट्रोल था बट वही तो चीज है जो पंप करती है एकदम है ना कि कुछ कर रहे हैं लाइफ में बेटर रिजल्ट दो ताकि उन लोग को पसंद आए लाइफ में कुछ कर रहे हैं मतलब कि हाँ अगर इतनी ऑडियंस अगर इतने लोग जो जाने वाले हमको देख के इकट्ठा हो गए हैं तो मतलब कि हम जिंदगी में कुछ कर रहे हैं ज्यादा बात नहीं करी हमने बहुत ज्यादा लेकिन हमने जितनी बात करी अच्छी जब हमें ब्रेक मिली थी तब बट ये बहुत अच्छी बच्ची मतलब गॉड ब्लेस हर बहुत अच्छी शी इज अ वेरी गुड गर्ल एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग और मैं इतना बोलूंगा कि ये जिंदगी में बहुत तरक्की करें मैं तो कह रहा हूँ खुदा करे कि बहुत तरक्की करें और बहुत हार्ड वर्किंग इसके पीछे भी स्टोरी है अभी मैंने इनको कल परसों मैंने इनको फॉलो किया मैंने इनको बोला तुमको पहले फॉलो करना चाहते क्योंकि मैं बड़ा हूँ लेकिन मैंने तुम्हें पहले फॉलो किया कोई नहीं तुम मुझे फॉलो बैक करो अभी मैंने इनको मैसेज किया नहीं एक्चुअली ऐसे मेरे ध्यान में नहीं रहते चीजें क्योंकि इतना ध्यान में नहीं रहता पढ़ाई मत करती ना अभी नहीं अभी ऐसा हुआ बिकॉज़ ऐसे कॉलेज के टाइम पे मेरा सोशल मीडिया पे वैसे अच्छा बड़ा तुम पढ़ाई करती हो वैसे बड़ा पढ़ाई करती है कि कॉलेज के अंदर इतना खो गई है कि कुछ नहीं आता है अच्छा या मैं जानती थी ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई जानती थी मेरे बहुत अच्छा थॉट है गाया है साज भट्ट ने साज इज अ राइजिंग स्टार एंड मुझे बड़ा प्राउड होता है कि हम लोगों ने साथ में काम किया तीनों ने एंड ये जो टीम दोनों बैठी है साथ साथ में आप लोग गाना सुनेंगे आपको गाने के हर लफ्ज में मज़ा आएगा थॉट बहुत प्यारा है मैंने बहुत अच्छी कंपोजिशन की है आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ये राजवीर पाजी आए बोले कि एक गाना इसने लिखा है भैया ईमान ने बड़ा अच्छा इसको कंपोज करो हमने बहुत अच्छा बनाई राजवीर पाजी ने गाने को अप्रूव किया जो भी कुछ माइंड में था कौन कास्ट होगी कैसा कहानी बनेगी वो राजवीर पाजी के दिमाग में सब थी और उन्होंने जब वीडियो पहली बार भेजा कि संजीव ये भेजा इसको सुनना देखना इसको करके हमको गूज़बम दिए वीडियोज़ इतने सारे बनते हैं तो मैं अगर अपनी लाइफ के बेस्ट वीडियोस में डायरेक्शन से बोल सकता हूँ तो मैं उनके डायरेक्शन का मुरीद हुआ मैंने उनको ये बात 10 बार बोली कि पाजी आपने जो वीडियो बनाया है वो उम्दा है आला है एवन है